अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल नूर? बस आपकी आवाज सर, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। नूर, अब आ रही है नूर? अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। अब भी नहीं आ रही? अब आ रही? जी सर, आ तो रही है लेकिन आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब बेटा, आप ठीक है? जी आप अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, ऐसे आवाज आ रही है बेटे मेरी? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओ भाई, अपने मुनव्वर में आपने नेट सिग्नल चेक कर। मुनव्वर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं, इमरान जी? नहीं सर, 52 सेक्शन 88 पढ़ भाई। अब ये अपनी किधर गया है वो दूसरा निशान? अच्छा भाई पढ़ो सेक्शन 88। टाइम थोड़ा है, इसको खत्म करें। सेक्शन 88 सीपीसी पढ़। जी सर। वेयर इंटरप्रेटर सोर्ट मे बी इंस्टीट्यूट। जोर से पढ़, जोर से, आवाज नहीं आ रही। वेयर इंटरप्रेटर सोर्ट मे बी इंस्टीट्यूटेड जी। वेयर टू और मोर पर्सन क्लेम एडवर्सली टू वन एंड अदर द सेम डेबिट सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल फ्रॉम एन अदर पर्सन हु क्लेम्स नो इंटरेस्ट देयर इन अदर देन फॉर चार्जेस आर कॉस्ट एंड हु इज रेडी टू पे और डिलीवर इट टू द राइटफुल क्लेमेंट सच अदर पर्सन मे इंस्टीट्यूट अ सूट ऑफ इंटरप्लेटर अगेंस्ट ऑल द क्लेमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिसीजन एज टू पर्सन एज टू होम द पेमेंट और डिलीवरी शैल बी मेड एंड ऑब्टेनिंग इंडेमनिटी फॉर हिमसेल्फ प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी सूट इज पेंडिंग इन सच इन विच द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज कैन प्रॉपरली बी डिसाइडेड नो सच सूट ऑफ इंटरप्लेटर शैल बी इंस्टीट्यूटेड। अच्छा भाई, अच्छा एक ये बात, अच्छा क्या कहते हैं इमरान, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 पढ़ दे। सेक्शन 2 और सब सेक्शन 11। जी सर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 11। लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिजीज पर्सन एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स with the state of disease and बस यहीं पे रुक जा। बस ठीक है, मैं इंसान आपको कर रहा हूँ, ये सब को नोट कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसके बाद फिर ये इंटरमेडलर सूट जो था ना, जो कहने का मतलब ये था जो मैंने आपको बताना था बेटा, ठीक है? सवाल आता था डिफाइन एंड डिफरेंशिएट द इंटरमेडलर सूट एंड इंटर जो है ये प्लीडर, इंटर प्लीडर और इंटरमेडलर, ये बात याद रखना, ये मुख्तलिफ सूट है, ठीक है? अब आपको कोई बताया या ना बताया, लेकिन ये बात थोड़ा सा माइंड में पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इंटरमेडलर, ठीक है, इंटरमेडलर, समझ आ गई बात की? ये जब कोई बंदा जिसकी डेथ हो चुकी होती है ना, उसके बिहाफ पे जब कोई क्या करता है, कोई सूट फाइल करता है एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसको कहते हैं इंटरमेडलर सूट। उसे क्या कहते हैं? इंटरमेडलर सूट। अच्छा, अब बात आ गई किसकी? इंटरप्लीडर की, जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाना है। ये टॉपिक मैंने कौन सा पढ़ाना है आज आपको? पढ़ाना है इंटरप्लीडर सूट दैट जो कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ सेक्शन 88 ऑफ सीपीसी एंड आर्डर 35, ठीक है? तो आर्डर 35 इसको डील करता है, जो प्रोसीजर इसका बताता है, और जो आपका है ना सेक्शन 88, ये इसकी जो है सबस्टांटिव जो है इसको इसको डिफाइन भी करता है, ठीक है? और इसके बारे में बताता भी है, ठीक है? अब अगर आप ये देखो, मैंने अगर आपको ऐसे समझा दूं कि जो है ना मुनव्वर और ये जो इमरान है, इसका अपना है झगड़ा, इसका अपना है झगड़ा,
इन तीनों तीसरा फरीक था, सपोज मैं ये ले लेता हूँ असद या आपका नईम, तीन लोग थे, दो का आपस में झगड़ा है, ठीक है, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, लेकिन जो तीसरा बंदा है ना उसको पता है, वो कहता है प्रॉपर्टी है असद रहमान की, प्रॉपर्टी किसकी है, ये नईम की नहीं है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, असद की है। अच्छा, अब वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए ना, जहाँ पे हमने सेक्शन 88 में पढ़ा इंडेमनिटी टू सिक्योर, ये सारी बातें, अब झगड़ा किसका है, नईम का और असद का, झगड़ा किसका है, नईम का और असद का, और तीसरा फ्री किसमें है, कौन भला आपका, इमरान, समझ आ गई बात की। अब इमरान का उसमें कोई इंटरेस्ट कोई नहीं है, इमरान का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसमें भला, उस सब्जेक्ट मैटर में, लेकिन इमरान अपने आप को क्या चाहता है, इंडेमनिटी चाहता है कि कल कोई मुझे भाई ना पूछे, मुझे जो है कोई कल कोई पूछ ना, वो कहता है कि मैं अब इसकी जो ये है ना अमाउंट, बेशक अच्छा इसमें प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, आपकी डेब्ट भी हो सकता है, आपकी मनी भी हो सकती है और आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंटरप्लीटर सूट जो है वो किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी के लिए फाइल किया जा सकता है भाईजान, ये बात याद रखिएगा। सेक्शन 88 में अगर आपने ये बातें पढ़ी है तो वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि भाई अगर आपका झगड़ा है किस चीज का, मनी का, अगर आपका झगड़ा है प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी वेदर आपकी मूवेबल है या आपकी प्रॉपर्टी है इमूवेबल, समझ आ गई बात की। लेकिन अब जो प्लेंटिफ है ना वो सूट फाइल करेगा कोर्ट में, ठीक है, वो कहेगा जनाब मैं इस चक्कर में फंस गया हूँ कि जो ये जो डिफेंडेंट्स है ना, ये दो लोग, ठीक है, इनके आपस में झगड़ा, लेकिन जो पैसे है ना, अगर आपको डिटरमिन कर दें इनका कौन रियल हकदार है, ताकि मैं ये पैसे हैं मैंने देने हैं, तो मैं उसी बंदे को दूं जो आपका कौन है भला आपका रियल हकदार, उनमें से एक जो है वो कौन है, हकीकी है, तो इस सूट को जब वो सूट फाइल करेगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंटरप्लीडर सूट, समझ आ गई बात की, हम उसे क्या कहेंगे, इंटरप्लीडर सूट, समझ आ गई बेटा बात की यहाँ तक, कि जब दो डिफेंडेंट्स होंगे और प्लेंटिफ कोर्ट की रहनुमाई लेगा कि जनाब मुझे बताया जाए ताकि कल कोई बला मेरे घर से जो है वो कोई चीज जो है ना फिट हो जाए, ठीक है, तो मैं उस चीज से बचने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, ये चीज उनके हवाले करना चाहता हूँ, और आई हैव नो इंटरेस्ट अदर देन चार्जेज एंड कॉस्ट, जो मुझे वकील की फीस देनी पड़नी है या इसको इनको बुलाने के लिए कोई खर्च खराजात होगा, इसके अलावा मेरा उस सब्जेक्ट मैटर में भाई और कोई हिस्सा ही कोई नहीं। जब वो ये इस मामले को हैंडल करने के लिए क्या करेगा, सूट फाइल करेगा, तो हम उसे कहेंगे ये कौन सा सूट है भाई, इंटरप्लीडर सूट है, ये कौन सा सूट है जी, इंटरप्लीडर सूट है, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, बल्कि फिर ये ना कहना कि हमें समझ नहीं आती, लोग ज्यादा हैं और हमें रोक दिया जाता है, मैं तो पता नहीं कितना दूर बैठा हूँ, लेकिन ये एक्सेस आप सबके पास है, जहां पे समझना है अपना नुकसान ना कीजिएगा, सवाल मेरे से पूछ लीजिएगा। यहाँ तक अब कोई पूछे इंटरप्लीटर क्या है भाई, इंटरप्लीटर बता लोगे, और इंटरमेडलर आपको शायद आपने किसी ने बताया भी नहीं होगा, ये मुझे यकीन है आपको इस कंसेप्ट का पता भी नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इंटरमेडलर है 2011 में डिफाइन किया गया कि जो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव करता है किसी पौतुवे शख्स हो, उस सूट को हम क्या कहेंगे, इंटरमेडलर सूट, और जब ऐसा सूट होगा इस हालात वाकयात में हम उसे कहेंगे ये सूट कौन सा भाई, आपका इंटरप्लीटर सूट है। और ये अक्सर जो है आपको मैं बताता चलूं, ये क्वेश्चन जो है बेटा अक्सर आ जाता होता है, ये याद रखिएगा, इंटरप्लीटर सूट अक्सर वो डिफाइंड है, इंटरप्लीटर आ जाता है, इसको अगर आपने डेफिनेशन इसकी देखनी है तो आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी जाके भाईजान कहाँ पे सेक्शन 88 में, ठीक है, ये इंशाल्लाह हम कल आपको देंगे, इसके नोट्स भी जैसे मैं तो कोशिश कर रहा हूँ जी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको उसकी शाम या उस अगले दिन उसके आप इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम एक लेक्चर तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है, और ऑलमोस्ट सीपीसी जो है हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी इस्लामाबाद फोटो स्टेट से, आप वहाँ पे लिखवा देंगे बहुत जल्द हम, तो जो लेना चाहे सीपीसी के मुकम्मल नोट्स हमारे लिमिटेशन के साथ, और हमारे मुस्लिम जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के और आपका लिमिटेशन एक्ट पीपीसी सीआरपीसी और इंशाल्लाह क्यूएसओ के भी हैं हमारे पास, वो भी बड़ी जल्दी जो है वो आपको अवेलेबल होंगे, और आपने परेशान नहीं होना, जहाँ पे आपको समझना है मेरी जात क्या तक मेरे सब्जेक्ट क्या तक आप 100 दफा पूछो, ठीक है, इन अदर वर्ड यू कैन से कि डंडी नहीं मारनी, ठीक है बेटा। अब इंटरप्लीटर सूट की समझ आ गई कि इंटरप्लीटर सूट क्या होता है। हाँ जी, पहली बात के टू डिफरेंट आपके क्या हो, डिफेंडेंट्स हो, तीसरा क्या उनका प्लेंटिफ हो, ठीक है,
और उस प्लेंटिव का कोई इंटरेस्ट भी ना हो, समझ आ गई, और इनडेमनिटी या इम्यूनिटी की खातिर वो क्या करता है, एक सूट फाइल करता है कि ताकि कल कोई मेरे पे ये बात ना कहे, मैं अगर पैसे ए को देता हूँ कल बी के पैसे मेरे हैं और पैसे बनते भी बी के हो तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो फिर इस हालात में, इन सर्कमस्टांसिस में वो क्या करता है, अप्रोच टू द कोर्ट टू डिटरमिन द रियल ओनर या रियल जो है उसका हक, उसका हकदार है, ताकि कल मुझे कोई ना पूछे, उसको इंडेमनिटी हासिल हो कि भाई मैंने तो अदालत के जरिए ये बंदा डिक्लेयर किया था। तो ये सारी बातें लिखी हुई है कहाँ पे, आपके सेक्शन है 88 में। अब हम आते हैं किस तरफ, जो आपका है प्रोसीजरल पार्ट, वो है आपका ऑर्डर 35। वो क्या है आपका जी, ऑर्डर 35, समझ आ गई बेटा बात की। तो पहली तस्वीर में जब मैंने आपको लिख के भेजा, ठीक है, कि भाईजान ये जो उसकी प्लेंट होगी ना, जो ऑर्डर 35 है उसका रूल 1 है, वो कहता है कंटेंट्स ऑफ द प्लेंट, समझ आ गई बात की। तो जो आपकी ये एप्लीकेशन होगी ना, दैट शैल बी ट्रीटेड लाइक प्लेंट, बट उसमें तीन बातें उसने लिखी हैं, ठीक है, कि पहली बात उसने ये लिखी कि उसका क्या नहीं होना चाहिए, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, समझ आ गई बात की, किसका जो केस फाइल कर रहा है, वो कहता है जनाब इस प्रॉपर्टी में मेरा लेना देना कोई नहीं, ये प्रॉपर्टी हकीकत में उस बंदे की है, इनमें से मुझे नहीं पता वो हकीकी हकदार कौन, समझ आ गई बात की। अच्छा, दूसरी बात उसमें ये लिखी है कि देर से नो जो है आपका क्लूइन, या ऐसे कह दूं देर शुड बी नो अदर काज ऑफ एक्शन, और डिफेंडेंट्स के दरमियान कोई और भी कोई काज ऑफ एक्शन है ना, समझ आ गई बेटा बात की। और तीसरी बात ये लिखी है कि अगर आपका कोर्ट समझती है कि नहीं बंदा नहीं है प्रोसीड नहीं होता, तो कोर्ट वहां पर क्या कर सकती है, इश्यूज फ्रेम करके नेक्स्ट आगे चल सकती है, ये बात याद रखिएगा, कोर्ट क्या कर सकती है, आगे भी प्रोसीड कर सकती है, समझ आई बेटा बात की। इसमें बेटा जो रूल 1 है, अब इसमें एक दफा अगर कोई पढ़ दे ताकि आपका डर उतर जाए, तो और मुझे भी इस बात की तसल्ली हो जाए कि जो है भाईजान लोगों को समझ आ गई है तो मैं आगे चल सकूं। तो इमरान मियां ऑर्डर 35 रूल 1 के जो तीन इंग्रेडिएंट्स हैं ना जी, पहली बात जो मैंने आपको बताई है कि इसमें क्या है कि देयर शुड बी नो इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ इन सच काज ऑफ इन सच प्लेंट, दूसरी बात देयर शुड बी नो अदर काज ऑफ एक्शन अमंग द डिफेंडेंट्स, और तीसरा जो है ये अगर आप इसको जोर से आप पढ़ दें रूल 1 को ताकि मेरी रहनुमाई हो जाए जी। इमरान अगर आप मुझे सुन रहे हो जी, इमरान 52 रोल नंबर जी। जी सर, जी सर, ये इसका ए पार्ट है दैट द प्लेंटिफ क्लेम्स नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट अदर देन फॉर चार्जेस और कॉस्ट। जी आपको बता दिया कि वो फकत जो आपने वकील के फीस और आपने जो खर्च अखराजात हैं, इसके अलावा उसको कोई और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जी। द क्लेम्स मेड बाय द डिफेंडेंट सेवरली, यानी कि ये बात सामने, हाँ ये बात आ गई सामने कि जो डिफेंडेंट्स है ना, सेवरली से मुराद ये मैंने पिक में आपको लिख के भेजा है कि डिफेंडेंट एक से ज्यादा है, डिफेंडेंट एक से सेवरली से मुराद ज्यादा है, यानी कि मैंने जैसे आपको कहा कि एक प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट्स जो है वो दो या दो से, कहने का मतलब यह है वो एक से ज्यादा है, ठीक है। और तीसरी बात मैंने यह की है कि इनके अलावा कोई और काज ऑफ एक्शन है ही नहीं जी बेटा। See that there is no collision between other the collision. plaintiff, जी. other collision between the plaintiff and any of the defendants. समझ आ गई, जो इस जो कंटेंट्स होंगे ना, जो आपने ये प्लेंट फाइल की करनी है इसमें इंटरप्रेटर सूट की, तो इसकी तीन बातें आपने याद रखनी है। पहली बात मेरे भाई कि क्या होना चाहिए, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कही कि जो आपके मोर देन वन यानी कि सेवरली डिफेंडेंट्स होने चाहिए। तीसरी बात ये उसने ये जो अभी हमने पढ़ी है कि देयर शुड बी नो अदर कॉज ऑफ एक्शन, ये बातें उसमें नहीं होनी चाहिए, समझ आ गई बात की। तो ये आपकी प्लेंट ये जो आपकी होगी दैट शैल बी ट्रीटेड एज अदर जो है प्लेंट, उसको जैसे दूसरी प्लेंट होती है उसको उसके मुताबिक ही डील किया जाएगा, समझ आ गई बेटा बात की जी बेटा। सर ये जो इंटरप्लेटर है, ठीक है, एज अ प्लेंटिव सर वो अपीयर हो रहा है, जब उसका सर पर्सनली कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो उसे इस चीज से क्या गर्ज है कि इन फ्यूचर कोई दूसरी एडवर्स पार्टी आके क्लेम कर रही है कि हमारा राइट बनता था, आपने दूसरी पार्टी को ले दिया है।
तो अब मुझे सर इसी बात से वो बचने के लिए करता है, इसी बात से तो बचने के लिए वो कर रहे हैं ना। कल मेरे से कोई इंडेमनिटी, अगर 88 में बात आई हो ना इंडेमनिटी की, वो इंडेमनिटी है, ये इम्यूनिटी है स्प्लेंटिव को, इस चीज को वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए। अब वो 1 करोड़ रुपए आपके पास हो, इमरान मियां, राय वसीम कहता है मेरा है, मुनव्वर शहजाद कहता है मेरा है, तो फिर आप देते हो राय वसीम को, कल मुनव्वर शहजाद का बन जाता है तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ से लेके दोगे? और ये बात ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, पहले तो भाई जान ने पैसे राय वसीम को दे दिए, तो फिर सर मैं तो फिर मोड़ने ही को नहीं सर, वही मैं कह रहा हूँ ना जी। तो ऐसा जब वो आप कोर्ट में जाओगे अपने आप को इस चीज डिटरमिन करवाने के लिए, डिटरमिन करे अदालत, अब आगे ये बात आ रही है पढ़ लेना कि कोर्ट क्या करेगी इस चीज को चेक करेगी। समझ आई बेटा बात की? अच्छा सर, जी सर, अच्छा जी बेटा। और सर ये जो डिफेंडेंट है उनका जो इंटरेस्ट है वो एडवर्स है एक दूसरे के, तो सर प्रोसीडिंग में आगे जाके उनको उनमें से किसी बाकी लोगों को एज अ कोडिफेंडेंट से ट्रीट किया जाएगा? जी ऑफ कोर्स, अगर किसी और का भी बनता है तो उसको डिफेंडेंट ट्रीट किया जाएगा। सही सर, थैंक यू सर। अच्छा इसके बाद बेटा आपका ऑर्डर 35 है, रूल 2 है कि सपोज अगर आपका लेन देन है ए और यानी कि प्लेंटिव ने सूट फाइल किया किसके दरमियान, ए और बी जो है आपके डिफेंडेंट्स है, सपोज ए और बी कौन है जी, मैंने तस्वीर आपको भेजी हुई है, समझ आ गई बात की, ए और बी कौन है डिफेंडेंट, प्लेंटिव ने केस फाइल किया, अगर कोर्ट अभी तक उस बात पे नहीं आ पहुंची कौन है, या कोर्ट देखो अटैचमेंट भी है सेल भी है, कोर्ट सब कुछ कर सकती है, लेकिन अगर कोर्ट ये बेहतर समझे, अगर कोर्ट को अभी तक वो डिटरमिन करने में टाइम लगे, तो फिर जो ये आपसे पेमेंट कोर्ट लेके अपने पास भी क्या कर सकती है अकाउंट में, पेमेंट इनटू कोर्ट का मतलब मुराद यही है कि अगर आपका कुछ 1 लाख रुपए है 20 लाख रुपए है, बजाय इसके कोर्ट को क्या करे अटैच करे, तो जो उसकी वो आप पेमेंट हो आप विद इन कोर्ट क्या कर सकते हो, कोर्ट के अंदर ही आप उसको क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। जी जनाब, अगर आप रूल 2 पढ़ देंगे तो मेरे लिए भी आसानी होगी, ताकि इन लोगों का डर भी उतर जाएगा। Payment of thing claimed into court. There the thing claimed it claimed is capable of being paid into court and placed in the custody of the court. The plaintiff may be required to so pay or place it before he can be entitled to any order in the suit. समझ आ गई बेटा बात की? कि जो आपका इस काबिल है आपकी कोई चीज जो आपकी property है इस custody is able. जो यानी कि कोर्ट क्या कर सकते हैं उसको अपनी कस्टडी में ले सकती है, तो याद रखिएगा कोर्ट क्या करेगी, अगर पेमेंट है या कोई भी चीज उसका बिल हो तो कोर्ट उसको अपनी कस्टडी में ले सकती है। जी राय साहब। सर ये इधर इसने दिया है ऑर्डर 35 में, 35 या था अभी थी, हाँ जी 35 रूल 2 में सर, ये जो अभी इसने पढ़ा है जी जी। और सर उधर इन्होंने पेमेंट इनटू द कोर्ट जो उनका ऑर्डर नंबर 24 है, रूल 24 है, रूल 2 है, नोटिस ऑफ डिपॉजिट वाला, किसका ऑर्डर का, कौन सा ऑर्डर का सर? ऑर्डर नंबर है 24 रूल 2। हाँ जी सर, उसमें भी वो यही बात कर रहा है कि मतलब नोटिस ऑफ डिपॉजिट शैल बी गिवन थ्रू द कोर्ट बाय डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ एंड द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट शैल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी पेड टू द प्लेंटिफ ऑन हिज एप्लीकेशन। अच्छा उसका वो टाइटल कौन सा बिल ऑर्डर 24 का राय साहब? पेमेंट इनटू द कोर्ट, पेमेंट इनटू कोर्ट। हाँ जी पेमेंट इनटू द कोर्ट, वो क्या करेगी, नोटिस देगी किसको भला, आपके डिफेंडेंट को? जी डिफेंडेंट को। तो यहाँ पे भी बात, हाँ इसमें स्पेशल बता नहीं दिया आपका वाजह तौर पे कि जब आपके इंटरप्रेटर के जो ये प्लेंटिफ है ये क्या कर सकते हैं, जब झगड़ा उन दोनों को होगा वो पार्टी भी इन कोर्ट होंगी, ठीक है, कोर्ट क्या कर सकती है, जो प्लेंटिफ के पास रकम है वो लेकर अपनी कस्टडी में ले सकती है, आप कोर्ट ने किसी को डिलीवर तो नहीं करनी, वो तो पेमेंट तब है भाईजान जब आपकी एग्जीक्यूशन हुई है, समझ आइए राय साहब? ठीक हो गया सर जी, समझ आ गई, वो डिग्री पास हुई हुई है, समझ आ गई मेरी अखियां नूर, यहाँ पे है जी इंटरप्रेटर सूट, यहाँ पे कोई डिग्री वगैरह पास नहीं हुई अभी तक, यहाँ पे नोटिस देना ठीक होगा, समझ आई मेरी की सर? इन बिटवीन अभी वो प्रोसीडिंग ही है ये सिस्टम जी। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी रूल 3, दैट इज अ बार, दैट इज अ लीगल बार। अब ये कौन सी बात है, अगर कोई आपका सपोज आपका भला करे कि एक प्लेंटिफ और किसी एक डिफेंडेंट के दरमियान कोई और सूट है जो पेंडिंग है, समझ आ गई, यानी कि प्लेंटिफ और अगर दो डिफेंडेंट्स है ना उनमें से एक के साथ पहले झगड़ा चल रहा है, यानी कि कोई प्रिंसिपल चल रहा है, कोई झगड़ा क्या कर रहा है चल रहा है किसी का प्लेंटिव के दरमियान और डिफेंडेंट के दरमियान, लेकिन जो बी है ना उसका झगड़ा है ए के साथ जो कि डिफेंडेंट है, दूसरा डिफेंडेंट है, अब कोर्ट क्या करेगी, पहले वाले केस को स्ट्राइक डाउन कर देगी और पहला जो मामला होगा जो उसका इंटरप्रीटर वाला सूट होगा वो कोर्ट उसको डिसाइड करके जो रेल डिटरमिन होगा उसके मुताबिक, यानी कहने का मतलब ये है जो पहला सूट होगा ना, जो पहला सूट होगा अमंग द प्लेंटिव एंड डिफेंडेंट
उसको क्या कर देगी कोर्ट, स्टे ग्रांट कर देगी। ये बात याद रखिएगा, क्या कर देगी, स्टे ग्रांट कर देगी अंडर रूल 3 में। जी मेरी अखियां पढ़ अब इसको। सर इधर वेच एक सवाल है जी, दो पूछो सर। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਲੇਟਿਵ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰ ਆ, ਰੋਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਟੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰੇਗੀ ਕੋਰਟ ਜੀ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿਦਾ ਕੋਰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਨਾ ਅਗਰ ਬਾਤ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਅਮੰਗ ਦਾ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡੈਂਟਸ, ठीक है, हाँ, लेकिन उनमें से एक डिफेंडेंट का झगड़ा पहले चल रहा है किसके साथ, डिफेंडेंट के साथ, लेकिन डिफेंडेंट के साथ प्लेंटिव के साथ जी, प्लेंटिव के साथ, प्लेंटिव अब इस चीज का फायदा जो है या उसका नुकसान जो है वो दूसरे वाले डिफेंडेंट का तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब पहले कोर्ट क्या करेगी, इंटरप्लीटर सूट अगर वो सूट फाइल करता है तब तो पहला सूट क्या करेगा उसको, यानी कि मुझे ये भी पता है कि मेरा एक साथ झगड़ा चल रहा है जो डिफेंडेंट है, ठीक है, लेकिन जो उसका रियल ओनर है वो भी है, वो भी डिफेंडेंट, ठीक है, कल उसने भी क्लेम करना है, तो कोर्ट मेरा और मेरे साथ जो दूसरा मुद्दा ले जिसके साथ पैसों का झगड़ा, अगर बेशक मेरा कोई सूट चल रहा है उसके साथ, कोर्ट क्या कर देगी, इसको स्टे ग्रांट कर देगी। बस इस बात को याद रखना, जो मेरा मेरा और किसी एक डिफेंडेंट का अगर कोई सूट चल रहा होगा, ठीक है, कोई सूट चल रहा होगा, कोर्ट क्या करेगी, उसको स्टे ग्रांट कर देगी। समझ आ गई बात सर? ये मैटर नहीं करता कि उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन चेंज है। यार मुझे ये बता, अगर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं होगी तो फिर कोर्ट ट्राई कैसे करेगी? सर मैं एक सवाल वो क्या कर रहे हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये जो आपके है ना जुरिसडिक्शन क्वेश्चन, ठीक है, वो मेरे मतलब के है नहीं, ये है आपके सब्सटेंटिव प्रोविजंस के। समझ आ गई बात की? लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपका जो आपको एक बात का पता है, रिटर्न ऑफ द प्लेंट जब आपको पता होती है तो किस ग्राउंड पे होती होती है, जब वो भाई जान जाएंगे अगर वो सूट नहीं ट्राई हो सकता तो वापस हो जाएगा, बात खत्म, फिर जज भी जवाब जैसे ही होगा ना, फिर जो उसको ट्राई करेगा। जी रानिया पढ़ दो रूल 3 को। इमरान सुन रहे हो, रूल 3 को पढ़ दो बेटा। अच्छा इसके बाद रूल 4 है जी, इसमें अगर कोई पार्टी क्या कर ले